बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5 ए का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें ये कहते हैं, वही सवाल है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप उसका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने, फैक्टर्स के लिए या तो हम डायरेक्ट मल्टीपल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर ये कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके हम इसके फैक्टर बना लेंगे और इस तरीके से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये कैसे इस फॉर्मूले के अंदर सेट हो रहा है, कैसे ए की जगह अगर हम के लेते हैं, टू फॉर्मूले का आ गया, ए की जगह के आ गया, बी की जगह खाली छोड़ दी, प्लस बी की जगह ये लिया जाएगा। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, मतलब 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ बी की जगह 6 आ जाएगा। अगर आप इसको दोबारा ओपन करें, सॉल्व करें, तो आंसर हमारे पास क्वेश्चन वाला ही आना चाहिए, कैसे के स्क्वायर प्लस 2 6 जर 12 के प्लस 6 6 जर 36। इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब ये एक्सप्रेशन किसके बराबर थी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। यहाँ पर हमने ए की जगह क्या लिया है के, बी की जगह क्या लिया है 6, तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब होगा कि k प्लस 6 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। अब हमें तो वैल्यू पता करनी है k की, हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा और k प्लस 6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ k इज इक्वल टू माइनस 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। इसमें ये कह रहे हैं एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 64। इसको भी हम फॉर्मूले के अंदर एडजस्ट करेंगे एंड द फॉर्मूला इज, यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको फॉर्मूले में एडजस्ट करते हैं, a की जगह हम यहाँ पे लेंगे m, माइनस 2 फॉर्मूले का आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा एम, बी की जगह खाली छोड़ेंगे और 64 का स्क्वायर रूट लेंगे 8 8 द 64। अब ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब क्या होगा, ये पूरी स्टेटमेंट किसके बराबर थी, एक्सप्रेशन ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। यहाँ पे ए हमने लिया है एम, माइनस की साइन फॉर्मूले की, और बी की जगह आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ये वाला स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो हो जाएगा m माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में क्या है, n स्क्वायर माइनस 16। एक फार्मूला हमने और भी पढ़ा है, वो क्या है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए इसको इसके फॉर्मूले के साथ एडजस्ट करते हैं, ए की जगह लेते हैं एन और इसका स्क्वायर, माइनस 16 का रूट निकालते हैं 4 होगा, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के। फिर ये किसके बराबर है, ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पे एन प्लस बी इज 4, एन एन माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा जी, n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, n हो जाएगा माइनस 4 और n हो जाएगा प्लस 4। इसको हम लिखेंगे कैसे आंसर को, n इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह। पार्ट डी में है 25p स्क्वायर प्लस 70p प्लस 49। अब इसको भी हम फॉर्मूले में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको a में सेट करते हैं, a 25 रूट होता है 5 का, 5p का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह 5p, b की जगह खाली छोड़ते हैं। 49 किसका स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 स्क्वायर आ गया यहाँ पे 7। अब इसको दोबारा एक्सपेंड करके देखते हैं कि हमने सही फॉर्मूले में पुट किया या नहीं किया। 5 5 25p स्क्वायर, 2 5 10 10 7 70p, 7 7 49, इसका मतलब हमने इसको सही फॉर्मूले में एडजस्ट किया है। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। a यहाँ पे क्या है, a इज 5p प्लस बी क्या है, बी इज 7, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 5p प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 5p इज इक्वल टू माइनस 7, p इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 5। ये हमारा p की वैल्यू आ गई, हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट ई। ई पार्ट में सेम इसको हम फॉर्मूले में एडजस्ट करेंगे एंड द फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे इसको सेट करते हैं फॉर्मूले में। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, क्यू का हाफ। ये आ गया ए माइनस फॉर्मूले का, 2 फॉर्मूले का, ए की जगह 2q, बी खाली छोड़ देते हैं, 9 को बी में सेट करते हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको फिल करते हैं इज इक्वल टू 0। अब वापस रीचेक करते हैं कि हमने सही फॉर्मूले में एडजस्ट किया या नहीं किया। 2q का स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस 2 2 4, 4 3 12 q प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये किसके बराबर था? a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। a क्या है यहाँ पे? 2q माइनस b क्या है यहाँ पे? 3। तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट? 2q माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2q इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। क्या हुआ? माइनस 3 वहाँ जाके प्लस 3 हो गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो गया, तो हमारे पास q की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसका पार्ट ई देखते हैं, सॉरी पार्ट एफ देखते हैं। पार्ट एफ में सवाल है 4r² - 100 = 0। ये हमें किस फॉर्मूले से मिलता जुलता लग रहा है? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले में ये वाली टर्म के साथ एडजस्ट करेंगे। 4r² का मतलब ये किसका स्क्वायर होगा? ये होगा 2r का स्क्वायर माइनस 100 होगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद किस में एक्सपेंड करेगा? a प्लस बी। ए यहाँ पे हमने क्या लिया है? 2r। बी हमने क्या लिया है? 10। तो ये हो जाएगा 2r प्लस 10। फिर क्या है? a माइनस बी। ए की जगह क्या है? 2r माइनस फॉर्मूले का, बी की जगह 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों अलग अलग ब्रैकेट 0 के बराबर हैं, मीन्स 2r प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2r इज इक्वल टू माइनस 10, 2r इज इक्वल टू 10। प्लस वहाँ जाके माइनस हो गया, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो गया। r इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, r इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10। तो r की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 5 एंड 5। तो हम इसको आंसर को कैसे राइट करेंगे? प्लस माइनस 5, ये हमारा r की वैल्यू हो जाएगी। आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया है 5a का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे।